पश्चिम में एक देश मैसेडोनिया, जहां एक रानी थी, ग्रीस की बेटी, मैसेडोनिया के शाह फिलिप की पत्नी ओलंपिया, जो देश की हार के बदले जीती गई। इस बार भी शाह का इस्तकबाल गुस्ताखी से किया तुमने। ओहो, गलती हो गई मुझसे शहंशाह फिलिप। मुझे तो लगा था मैसेडोनिया की लड़कियां ऐसे ही सजती हैं। तुम जिसके लायक हो वो चेहरा तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हारी जीत का तोहफा जरूर हूं फिलिप, मगर तुमसे हारी नहीं हूं। हमारे रिश्ते में जीत हार की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है ओलंपिया। मोहब्बत तुमसे? कुएं के मेंढक की हौसला अफजाई के लिए समंदर आगे नहीं आता फिलिप। और हो क्या तुम एक कबायली लड़ाके? बस ना कोई तहजीब, ना कोई रसूख, कुछ नहीं। बस है तो रगों में दौड़ता हुआ गंदा खून। बस ओलंपिया, तूने वो हद पार कर दी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक मर्द सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी खुददारी और खून पर गाली नहीं। सूरज को मुट्ठी में भरने का ख्वाब देखने वाले जल जाते हैं फिलिप, और तुम्हारे खून में इतना ताप नहीं है कि अक्लिस के खून के साथ मिल सके। बहुत फकर है ना तुझे अपने खून पर? अब मेरी औलाद तेरे इस टूटे हुए गुरूर की निशानी बनकर मैसेडोनिया में पलेगी। दूर रहना फिलिप, ज्यूस की पुजारन हूं मैं, ज्यूस का कहर बरसेगा तुम पर। इंतजार है मुझे तेरे खून को नापाक होने से बचाने वाले ज्यूस का भी और अक्लिस का भी। अब हमारा खून एक हुआ ओलंपिया। नस्ल ना तेरी होगी ना मेरी, हमारी होगी। मेरे खून में फिलिप का खून नहीं पलेगा ज्यूस। मेरी औलाद में कबायली फिलिप का गंदा खून नहीं, तुम्हारा ताप चाहिए। वो औलाद जो बिजली सी तेज हो और तूफानों की तरह सबको फना कर दे, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले और मेरे कदमों में डाल दे। मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए ज्यूस, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी।
समय बीतता गया और भारत जीतने का अपना सपना ओलंपिया मंसूबा बनाकर अलेक्जेंडर के दिल में भर रही थी। उसे मुकद्दर का सिकंदर बना रही थी। गिनती कर ले, समझ आ गया होगा। मैसेडोनिया में इतनी ईंटें नहीं हैं, जितने हमारे पास सिपाही हैं। मैं तो ये गिन रहा था कि तुम सबके मकबरे बनाने में पत्थर कितने लगेंगे। मौत के सामने खड़े होते हुए डर नहीं लगता बच्चे? डरे हुए तो तुम हो शाथीसिया। अगर बेखौफ होते तो शाह फिलिप के किसी और जंग में मसरूफ होने का फायदा उठाकर मैसेडोनिया पर पीछे से हमला नहीं करते। अगर जवाब मिलेगा, मिलेगा पीठ पे वार का जवाब सीने पे देगा, ये अलेक्जेंडर, 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 अलेक्जेंडर। नाम सुनते ही डर लगता है। तुम लोग को डर लगा के नहीं, मुझे माफी दे दे हुजूर। अलेक्जेंडर, आपका नाम सुनते ही मैं डर गया। खेल बहुत हुआ बच्चे, इसके पहले कि मैं तुम्हारी सांसों का साया तुमसे छीन लूं, जाओ जाकर अपनी मां के दामन के साये में छिप जाओ। वो लोग आ रहे हैं फैसियन, तैयार हो। हुजूर, ये हजारों हैं, हम कुछ सौ, क्या फतेह कर पाएंगे? मैदाने जंग में जाने से पहले अपने अंदर बसे खौफ को फतेह किया जाता है सिपोथियस। अगर इस फौज को देखकर तुम्हें लगता है कि समुद्र की लहरें तूफान बनकर तुम्हें मिटाने आ रही हैं, तो यह सच है। मगर आधा और बाकी का आधा सच यह है कि तुम वो फौलादी चट्टान हो जिससे टकराकर बड़े से बड़ा तूफान भी तितर बितर हो सकता है। जो फौज है वो बहुत धूल उड़ाती हुई आ रही है, आओ इन्हें इसी धूल में मिला देते हैं।
खत्म कर दो। Hephaestion! शाह है ये, इसे एक प्यादे की मौत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ और सोच कर रखा है। आ,
पहली जीत मुबारक हो अलेक्जेंडर। शाह फिलिप एक और जंग में मसरूफ थे और उसी का फायदा उठाकर थीसिया ने हम पर हमला किया, और ऐसा करके ना सिर्फ इसने अपनी बुजदिली दिखाई है बल्कि जंग के कायदों को भी तोड़ा है। मगर मैं कायदा नहीं तोड़ूंगा। यह पूरे मैसेडोनिया का दुश्मन है, इसलिए इसके साथ क्या सलूक किया जाए इसका फैसला आप सब लोग करेंगे। मुझे यहां यही तमाशा दिखाने के लिए जिंदा छोड़ा है। नहीं, तमाशा बनाने के लिए। तुमने शिकस्त का सबक सीखने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। नाम, जब तुम मेरे नाम पे हंसे तब मुझे एहसास हुआ कि नाम में बहुत ताकत होती है। नाम जो दुनिया में आने पर माँ बाप देते हैं, पर जो छोड़ के जाते हैं वो नाम खुद बनाना पड़ता है। नाम जिसे सुनकर लोग हंस दें, और नाम जिसे सुनकर लोग खौफ में झुक जाएं। मैंने सीखा कि आधी जंग नाम से जीत ली जाती है, और सीखा कि इंसान चला जाता है और रह जाता है तो बस नाम। और मैंने फैसला किया कि मेरे नाम में इतनी दहशत होनी चाहिए कि कल कोई तुम जैसा शाम मेरे सामने खड़ा ना हो सके। और सीखा कि दुनिया मेरे नाम से खौफ खाए, और मेरे खिलाफ हथियार उठाने से पहले मेरे नाम का नश्तर दुश्मन को झुकने पे मजबूर कर दे। और उस नाम के गूंज की शुरुआत तुम्हारी चीखों से होगी साथी सिया। इसने शाह फिलिप की गैर मौजूदगी में मैसेडोनिया पर हमला किया। अब इसकी लाश इन्हीं गलियों में तब तक दौड़ेगी जब तक शाह फिलिप वापस लौट नहीं आते। दिन ढले या रात बीते, इसकी सांसें टूटे या इसके जिस्म से इसका गोश्त छूटे, लाश का सफर खत्म नहीं होना चाहिए। इसके सड़ते हुए जिस्म की बू से भले ही घरों की खिड़कियां बंद हो जाएं, मगर उस घोड़े के कदमों की थाप नहीं रुकनी चाहिए जो इसकी लाश को खींचे। माफी, रहम, अलेक्जेंडर, यही खौफ चाहिए मुझे हर उस जुबान पे जो मेरा नाम ले, हर उस चेहरे पे जिसकी आंखों में मेरा अक्स हो।
तुमने जो जंग जीती है, ना वो जंग तुम्हारी मंजिल है और ना ही मैसेडोनिया का तक तुम्हारा हासिल। मत भूलो अलेक्जेंडर कि तुम एक मामूली शाह की औलाद नहीं बल्कि भगवान ज्यूस की औलाद हो, और भगवान का बेटा इंसान नहीं भगवान होता है। तुम एक इंसान की नहीं एक भगवान की जिंदगी जीनी है। तुम्हें इस दुनिया के मुकद्दर का सिकंदर बनना है। तुम्हें अपनी सल्तनत शाह फिलिप से इतनी बड़ी बनानी है कि सोने की चिड़िया भारत भी इसकी हद में आ जाए। जंग जीतने के बाद शाह फैसला कैसे करेंगे कि हम दोनों में से ज्यादा बहादुर कौन है? जिसने ज्यादा दुश्मन मारे वो बेहतर सिपाही। तू नहीं बचेगा फिलहाल।